Hello and you're watching Claptrap. We are back again, going to our favorite store, Stella Furniture, shooting season 5, episode number 1. Stella Furniture has been always favorite to all of us because they have made successful delivery with zero complaint. Also, they keep on innovating. They come out with wonderful designs and ideas. Quality is assured. So we will see some of the beds available. So the variety is very large, but we'll try to feature some of them. So you get the feel of it. कैसे हैं आप? Let's start the video. आप बताइए. मैं भी ठीक हूँ. Welcome to Claptrap. Thank you, sir. और Stella Furniture पे जब भी आते हैं तो element of surprise रहता है. जी बिल्कुल सर. वो तो रखना पड़ता है सर हमें. जी जी जी. Season 5 और इसको हम दो episode में करेंगे. ठीक है, बेसिक चीज़ हम बता दें कि Stella Furniture है जो यूनिकली डिफरेंट है बाकी सब लोगों से, एकदम डिफरेंट, क्योंकि जब भी हम आपके पास आते हैं तो जनरली स्टोर पे क्या होता है कि उनके पास एक फिक्स सेट ऑफ फर्नीचर होता है, उनमें माइनर मॉडिफिकेशन होते हैं, उनके कलर्स चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो पाता है जी. लेकिन आप, आई थिंक यू आर द ओनली वन, आप अकेले ऐसे हैं जो फर्नीचर यूनिट्स में इतने चेंजेस ले आते हैं. और जब भी हम आपके पास आते हैं कोई ना कोई उसमें चेंज होता है, उनकी सेगमेंट अलग चेंज हो चुके होते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी होती है. बिल्कुल. सो क्या है, कैसे कर पाते हैं आप ये? सर मेनली हमारी इनोवेशन है, जो हम डिज़ाइंस हैं ऐड ऑन करते हैं सर. अच्छा. कुछ ना कुछ आपको एवरी वीक सर नए डिज़ाइंस मिलेंगे. हमारी कोई पर्टिकुलर कैटलॉग नहीं है सर कि हमें 15 सोफ़ाज 15 बेड्स के डिज़ाइन हमने फिक्स अप कर लिए. अच्छा. कुछ ना कुछ नया सर क्रिएटिव करते रहते हैं. अच्छा. सर क्वालिटी वो आप अभी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे. बिल्कुल जी. और Stella Furniture में एक चीज़ और भी है नोटिसेबल कि हर बार एक आप कदम आगे चले जाते हैं, है ना? कोशिश तो रहती है सर. लास्ट टाइम जब हम आपके साथ शूट कर रहे थे तो हमें लगता था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गए हैं अभी ऑलमोस्ट, और इस बार हम आए तो हमने ऑलमोस्ट उसको क्रॉस कर रहे हैं. यस है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. तो वो क्या चीज़ थी जो जो आपको हेल्प की कि आज आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच पाए? सर मेन क्वालिटी. अच्छा. एंड उसका जो भी कस्टमाइज हम करते हैं सर. हाँ. एंड मेनली फैब्रिक सर उसका. अच्छा. और टाइमली डिलीवरी सर एंड आफ्टर सेल सर्विस सर. अच्छा जी. आफ्टर सेल सर्विस में क्या थोड़ा सा? आफ्टर सेल सर्विस सर हमारी 5 ईयर्स की फ्लैट वारंटी रहती है सर. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो हम ऑन साइट उसको सर कवर अप करते हैं. अच्छा. क्लाइंट को ना कोई कार्टेज पे करना है, ना कोई सर पर्टिकुलर टेक्नीशियन के चार्जेस देने हैं. अगर कोई हमारा फॉल्ट होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक करके देंगे सर. ओके. Stella Furniture हमारी तरफ से एंडोर्समेंट है आपको ये. हम मतलब जनरली कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे टच में रहते हैं, आप भी जानते हैं, हमें भी लोग मैसेज करते हैं, रेगुलर हैं सर क्लैप्टर पे काफी. सो हमारे जो टच में रहते हैं उनके बेसिस पे हम कह रहे हैं हमारा जो सर्वे गया था 0% कंप्लेंट सर. बिल्कुल कोशिश. नॉट इवन वन सिंगल कंप्लेंट. देखिए ऐसा सर, हमारी जो लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है. कोई बाय चांस इशू आता भी है तो आफ्टर सेल सर्विस हमारी बहुत बेटर टीम है सर, अलग सी टीम है. उसको हम देरी नहीं करते सर, उसमें वो रिजॉल्व कर देते हैं जल्दी. ठीक है जी. और बात कर रहे थे कि अब जो हम सेगमेंट देख रहे हैं वो है अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट. यस सर. अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट को और एवरेज फर्नीचर में क्या फ़र्क होता है आपके ख्याल से? सर उसका फैब्रिक, उसकी अंदर जो लैमिनेटेड फिनिश है, जो उसकी थिकनेस होती है, उसकी पॉलिश, उसका डिज़ाइन, उसकी जो स्ट्रेंथ है सर. एक पर्टिकुलर सोफे की जो सीट होती है वो 21-22 इंचेस है. जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका सर 30 इंचेस होता है. लवली. दे लार्जर देन द नॉर्मल. यस सर. फर्नीचर जी. ओके. वो मैं आपको सारा सर वीडियो में आज प्रॉपर दिखाऊंगा सर. ठीक है. ऑफ कोर्स उनका प्राइस भी थोड़ा सा फर्क होता है जी, है ना? बट सर इंटरनेशनली आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत रीजनेबल है. जैसे आपके विजनर ब्रांड्स हैं, बेंटले ब्रांड्स हैं, तो उनके मैं आज आपको कॉपी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा कि हमने कैसे उसको बहुत अच्छी प्राइस में बना. अच्छा. उनको कैसे हमने इंडियन एटमॉस्फेयर में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन डिजाइनिंग से अडेप्ट कर लिया उनको. जी सर. चलिए ठीक है, हम एपिसोड की शुरुआत करें. श्योर सर. ओके ओके. सो स्टार्टिंग एपिसोड नंबर 1. आज हम देखेंगे बेड्स. बेड्स सर. बेड्स के पैरामीटर सेट कर दें क्विकली. सर हमारे जितने भी बेड्स हैं सब में 18mm प्लाई है और आपका टीक वुड का कॉम्बिनेशन होता है बॉक्स के जो नीचे सपोर्ट होती है. अच्छा. प्लस सारे बेड्स लेमिनेटेड हैं आपके जो इस फ्लोर पे हैं. एक अच्छा. फ्लोर हमारा ऊपर भी है उसमें इकोनॉमिकल रेंज है, वो विदाउट लेमिनेटेड है. इस फ्लोर पे जितने भी फैब्रिक्स होंगे सारे 600 रुपये मीटर से प्लस लगे हुए हैं. अच्छा. स्लीव वेल की फॉर्म होती है सर, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. ओके जी. डन. अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के जो बेड्स हैं और जो नॉर्मल एवरेज बेड्स होते हैं, क्या उनके, जैसे आप बता रहे थे कि साइज में थोड़ा फर्क होता है, क्या फर्क होता है साइज में? सर लग्जरी बेड्स जो आपके वो 6.5x6 से तो कम होते ही नहीं है सर. अच्छा. और अब तो हम 7x7 भी सर लेके आ रहे हैं मैट्रेस साइज. ओह ओके. आपको बेसिकली किसी स्टोर पे सर ये मैट्रेस साइज नहीं मिलेगा, हर जगह आपको 6.5x6 या 6x6 मिलेगा. जो हमारे अल्ट्रा लग्जरी है उसमें मैट्रेस साइज सर बड़ा हो जाता है. साइड टेबल्स आपकी 2 फिट की इंडिविजुअली हो जाती है और जो उनका हेड साइज है वो 10.5 से 11 फिट होता है सर, क्योंकि जनरली रूम साइज भी सर अच्छा होता है अल्ट्रा लग्जरी. ऑलराइट जी. This is a bed number 1. Bed number 1 sir. Okay. An ultra luxury segment sir. Right.
ये सर विजनर ब्रांड का हमने कॉपी किया है। अब आप इसकी फिनिश देखिए, इसका फैब्रिक देखिए जी। फैब्रिक जो हमने 1100 रुपए मीटर का फैब्रिक लगाया हुआ है सर इसके ऊपर, आप इसकी फील देखिए, नॉर्मल स्वेट नहीं है सर। अच्छा, आप हाईलाइट करेंगे फैब्रिक एकदम, और इसकी जो फील है सर इसमें कोई भी सर वो जो बेसिकली स्वेट में होता है सर, डबल कलर वाली जो शेड आती है वो इस फैब्रिक में कोई इशू नहीं है। यही पहचान होती है प्रीमियम स्वेट की सर। जबकि ये भी स्वेट है ना? ये भी स्वेट है, बट 300-400 रुपए मीटर का जो होता है सर उसमें डबल शेड आती है। अच्छा, इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, ये हाईली सर बहुत अच्छी क्वालिटी का स्वेट है। और इसमें इसके बहुत क्लोजली देखें तो इसमें आपको रोबोटो कोबाली का जो फर वाला, जो फर वाला डिजाइन है एकदम डिफरेंट है, वो भी दिखता है। बेसिकली स्टोर पे आपको हर जगह प्लेन फैब्रिक्स मिलेंगे, राइट, बट ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके। आप इसकी पूरी लुक दीजिए सर, पूरा बैक में देखिए मेटल का फ्रेमिंग किया हुआ है। ये कोई पत्ती वाला काम नहीं है सर। अच्छा, जो 1mm की स्ट्रिप होती है वो नहीं है, ये पूरा मेटल बनवाया गया है सर। ठीक है पूरा ये। अच्छा, ये आपका 3mm ठीक है सर पूरा। ठीक है, इसको पूरा PVD कोटिंग किया है सर हमने ना। जो हम शुरू में बात कर रहे थे बेसिकली वही वाली बात है कि इसको आप चाहें तो बहुत पतली वाली पट्टी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ सर, जस्ट टू इकोनोमाइज इट, बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्टिंग कम करने के लिए, मगर वो सर पता लग जाता। ओके, पत्ती को आप कभी भी यहाँ टच करेंगे सर वो आपको पूरा चुभेगा सर यहाँ पे, बट इसमें वो इशू नहीं है। ये पूरा नट बोल्ट से सर टाइट किया हुआ। अच्छा, और ये आप थिकनेस देखिए, पूरा स्लीव वेल की फॉर्म लगाया हुआ, पूरा डबल इसमें सर 18mm की प्लाई लगी हुई है, वुड का सपोर्ट है इसके अंदर जी, जो इसकी सर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सर। ओके, साइड टेबल भी देखिए सर, ओवल शेप में है, टू ड्रॉर्स हैं, इसमें हम कोई सुंदर सी नॉब क्लाइंट के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। अच्छा, अभी हमने वो लगाया नहीं हुआ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में सर इसका कर्व। ठीक है, पूरा लेमिनेटेड है सर अंदर 18mm सर, ये थिकनेस भी देखिए पूरा 18mm आपकी। ऑल राइट, जाहिर सी बात है बिकॉज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है तो इसकी जो जो साइड टेबल्स हैं उनकी जो ड्रॉर्स हैं वो भी 100% लेमिनेटेड है। सेम पैटर्न हमने फॉलो किया है। जनरली जो है स्क्वायर शेप में आप देखें तो साइड टेबल्स मिलती हैं, बट ये ओवल शेप में है, एक अच्छा सा एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये। स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, तो लोग चाहते हैं कि उनके बेडरूम में थोड़े से कर्व्स क्रिएट रहें। और देखिए सर, इन दोनों में कॉस्टिंग का भी यही डिफरेंस आता है। आप यहीं पे मैं कोई स्क्वायर साइड टेबल प्लान आउट करूंगा, अच्छा, तो उसमें कॉस्टिंग काफी कम हो जाएगी आप। अच्छा, ओवल शेप में राउंड होगा तो कॉस्टिंग पे भी सर फर्क पड़ता है। अच्छा, क्योंकि इसमें वर्क, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये सर। कारपेंटर चार्जेस भी एक्स्ट्रा होते हैं, मटेरियल भी एक्स्ट्रा लगता है, इसमें वेस्टेज भी जाती है, हर चीज है सर। अच्छा जी, ठीक है। हेडबोर्ड का जो लेंथ है जो, वो हमें एक बार बता दें अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? ये 10.5 है सर, पूरा आउटर टू आउटर जो स्पेस लेगा ये 10.5 फीट है। ये मैट्रेस साइज इज 78x70, बेसिकली हम 6.5x6 बोल देते हैं जी। अंदर पूरा लेमिनेटेड है, आप लेमिनेटेड में भी कोई ब्राउन माइका या जो भी आपको चाहिए वो आप करवा सकते हैं। बाकी हमने अपने अकॉर्डिंग लाइट फैब्रिक माइका लिया जो कि उसको एनहेंस करे स्पेस को। जितना आप डार्क माइका लेंगे वो डार्कर होगा, सफाई में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप बात कर रहे हैं लेमिनेट की जो अंदर लगी हुई है ना, जो जनरली क्लोथ फैब्रिक जैसा होता है सर। बेसिकली हम ये वाली फैब्रिक यूज, माइका यूज करते हैं, क्योंकि आप जब बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको विजिबिलिटी अच्छी रहती है। डार्क माइका लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लाइटिंग आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ट्रेंड है और यही अच्छा भी दिखता है इसमें। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, बट हेडबोर्ड इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत कर्वेशियस है ये। इसका हाइट होगा अराउंड 4.5 फीट होगा? नहीं, 4.5 फीट है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि ये किंग साइज बेड है जी, अगर किसी को थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है और उनको क्वीन साइज में जाना हो तो जा सकते हैं? जा सकते हैं सर, उसमें टाइम चाहिए हमें 25-30 डेज का टाइम चाहिए नया पीस रेडी होने के लिए। अच्छा, चीज़ें सर टाइम लगती हैं इन चीज़ों बनाने में। ओके, वो प्ले नहीं है कि 7-10 डेज में आपका रेडी नहीं होगा बेड। ओके, और इसमें मेटल का पीस थ्रू आउट है नीचे? हाँ, नीचे सर स्कर्टिंग ऐड करता है, स्कर्टिंग है ना इसमें। इसके नीचे हम बफर देंगे सर, जो कि आपका अभी हमने बफर शोरूम में रखा हुआ नहीं लगाया हुआ, बट डिस्पैच के टाइम हम पूरा बफर लगा के देते हैं इसके। ठीक है, एक छोटी सी बात है जो अक्सर रिपीट करते हैं, बताते हैं हमारे व्यूअर्स को, कि पूरा नीचे मेटल का स्कर्टिंग देने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको क्लीनिंग ईजी होती है, कभी आपका स्वेट खराब नहीं होगा। बिल्कुल सर, फैब्रिक खराब नहीं होगा। पानी जो होगा सर वो मेटल पे टच होगा, फैब्रिक पे नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे क्वालिटी बड़ा मैटर करती है कि पॉलिश वैसे हो, बिल्कुल सर, कि आपकी पॉलिश खराब ना हो पानी से, इसलिए इम्पोर्टेंट है वो भी है। दूसरा सर, ये जो फैब्रिक है इसकी जो मार्टन डाइल होती है, जो रब काउंट्स होते हैं, वो 1 लाख रब काउंट्स हैं इसके, उससे क्या इसकी लाइफ सर प्लस हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका फैब्रिक जो 5 साल चलेगा 10 साल भी कहीं नहीं जाएगा। परफेक्टली, बट वो हमारी क्लाइंट की चॉइसेस हैं, वो चाहे तो 5-6 साल बाद फैब्रिक चेंज करा के इसको नई लुक दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ऐसा भी होता है। ओह इंटरेस्टिंग। ये बेड्स हैं जितने भी अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या इसका फैब्रिक चेंज होकर इसका लुक चेंज? फुली अपहोल्स्टर्ड बेड का सर यही बेनिफिट होता है कि आप इसमें फैब्रिक में प्ले कर सकते हो, क्योंकि जनरली जो अभी इतना चेंजिंग ट्रेंड आ रहा है सर फर्नीचर लाइन में, कोविड के बाद इतना रैपिडली चेंज हो रहे हैं डिजाइंस। अच्छा, सबको ये चाहिए कि कुछ नया, कुछ नया सर। ओके, तो नया तभी होगा। अब आप इस बेड को 10 साल तक देखते रहेंगे, चाहिए 5 लाख का बेड मैं आपको दे दूँ, उससे भी आप बोर हो जाएंगे सर।
ठीक बात है जी। तो आप अच्छा ये चेंज कर सकते हैं, आप इनको रिफर्बिश कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। उसमें okay. आपके फैब्रिक जो लगेगा सर 12 से 13 मीटर जैसे लग्जरी बेड्स हैं इनके अंदर लगता है, और मैं जो भी आपका लेबर कॉस्ट है वो अलग होगी। तो आपने एक हिंट दे दिया, क्या ये 5 लाख का है सर? हमारा फर्ज बनता है जी बेटर सॉल्यूशन देना। हाँ नहीं, अभी आपने बोला ना कि मैं आपको 5 लाख का बेड दे दूंगा, तो इसका प्राइस ही 5 लाख है क्या? नहीं, इसका प्राइस सर मैं अभी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पार्ट है सर प्राइस का। अच्छा बताइए, मुझे बताइए प्लीज। इसका प्राइस आपको विद 2 साइड टेबल्स 1,16,000 सर, 1,16,000 जी। एक मिनट, लेट मी कम बैक टू यू। 1,16,000 विद 2 साइड टेबल्स विदाउट मैट्रेस सर। Really? और ये विजनर ब्रांड का आप देखिए हाईलाइट कीजिए, हमने लोगो की है कॉम्बिनेशन जो है। अब यही आप टर्की जो विजनर ब्रांड्स में ये हैं उनका आप पता करेंगे ऑनलाइन, तो 5 से 6 लाख का बेड आपको कम से कम। एग्जैक्टली ओके कूल, आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज देयर आर पीपल, दे सेड कि प्राइस के मैटर में मैं थोड़ा सा लीनिएंट हो जाता हूँ, बट मेरा सर्वे कहता है कि 1,16,000 ओके, आई थिंक इट्स प्रीटी रीजनेबल। यस सर ठीक है, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन ओके। ये वो लोग जो कि कार्विंग के शौकीन है लेकिन कार्विंग से डरते आते थे थोड़ा। एक बेड सर थोड़ा डिफरेंट मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा कंटेम्प्रेरी विद मॉडर्न टच। अच्छा, अब देखेंगे इसमें कोई डीप कार्विंग नहीं है सर, स्ट्रेट लाइन कार्विंग है। राइट, एग्जैक्टली वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक दिस इज द ओनली यूनिट आई हैव सीन सो फार जो कि मतलब ट्रेडिशनल कार्विंग भी है बट एट द सेम टाइम स्ट्रेट लाइन भी, विद मॉडर्न टच, है ना, मॉडर्न टच भी है इसमें। एंड इसका सर जो हेड पे फैब्रिक है वो देखिए एकदम डिफरेंट कलर का हमने लिया। अच्छा, लेटेस्ट कलर है सर ये, बर्गंडी कलर है या वाइन कलर जिसको कह सकते हैं, मतलब वाइन कलर की फैमिली का आप इसको बोल सकते हैं। और जो इसमें पॉलिश है वो मेटालिक पीयू हमने लिया है सर पूरा। अच्छा, फुली हाई ग्लॉसेज हैं और इस विद 2 साइड टेबल से थोड़ा ईयर स्टाइल सर इसको किया हमने, आप दूर से थोड़ा दिखाएंगे कस्टमर। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो कि देखिए पूरा ये जो है ना ये कर्व है पूरा, कर्व स्टाइल है ना, यही इसकी ब्यूटी को ऐड करता है सर। राइट, कौन सा वुड का स्ट्रक्चर है इसमें चारों तरफ? सर ये टीक वुड का स्ट्रक्चर है पूरा चारों तरफ, पीछे अच्छा। इसको प्लाई को सपोर्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर चेस्टरफील्ड डिजाइन है। ओके, जो इसका बॉक्स है सर वो पूरा मेटालिक पीयू के अंदर है विद द थिकनेस ऑफ 2 इंचेस, ये आपका 2 इंच थिक है सर ये साइड में। ओके जी, और जब भी 100% पॉलिश्ड बेड होता है तो जनरली ऐसा होता है कि उसको हाई ग्लॉस नहीं करते, स्पेशली दीज कलर्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, अदरवाइज वो बहुत लाउड हो जाते हैं, इसलिए इसको मैट फिनिश दिया है। बट इसका आप कलर देखेंगे बहुत सोबर कलर है सर। हाँ, काफी मैट फिनिश, डिस्टर्बिंग कलर नहीं है ना, कोई वाइब्रेंट कलर है हमेशा, मतलब ट्रेंडी कलर है जी। आप इसकी साइड टेबल को दिखाएंगे, बस नॉब में हमने थोड़ा सा वाइब्रेंट लिया है ओके, जो कि ज्यादा सिंपल साइड टेबल्स ना लगे, बाकी पूरा ये टीक वुड का स्ट्रक्चर देखिए और पूरी फिनिश देखिए सर इसकी। जो इसकी साइड टेबल है ना वो एक्चुअली बड़ा बैलेंसिंग का काम करती है जी, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि बेड थोड़ा सिंपल जा रहा है बिल्कुल, और एक थोड़ा सा यू हैव स्ट्रेट लाइन, लिटिल बिट ऑफ कार्विंग इन्वॉल्वड। यस सर, सो जस्ट टू हाईलाइट दिस योर फोकस गोज ऑन साइड टेबल्स, साइड टेबल्स बिकॉज़ साइड टेबल्स थोड़ा हैवी है बिल्कुल सर, है ना। ओके, ये साइड टेबल है इसकी, बहुत ही एलिगेंट एंड सिंपल है, और इसमें एक स्पेशल आप देखिए सर, हेड आपका साइड टेबल के ऊपर जा रहा है और साइड टेबल थोड़ी अंदर की तरफ बेड की बॉक्स की तरफ टच है, जो इसकी और ब्यूटी को ऐड ऑन कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, हेड आपके बॉक्सेस के लेवल में फिनिश हो जाता है सर, बट इसमें हाफ आपका हेड साइड टेबल के ऊपर, साइड टेबल के ऊपर जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हेड जो है, जो हेड देखिए सर वहाँ पे आप, 6 इंचेस वो कवर अप कर रहा है उसका, ऑलराइट, ये थोड़ा ब्यूटी ऐड करता है। और स्पेस आपके पास अच्छा है तो आप साइड टेबल को थोड़ा डिस्टेंस करके भी आप रख सकते हैं सर, ठीक है, वो चॉइसेस हैं आपके पास दोनों। ओके जी, ये भी फुली लेमिनेटेड है सर, बाकी 78x70 इसका मैट्रेस साइज है सर। ओके, इसकी जो हेड हाइट है वो अपने जो प्रीवियस वन बेड है उससे थोड़ी ज्यादा है, ये आपका 5 फिट से 2-3 इंच कम है सर, 5 फिट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें जो फैब्रिक आपने यूज किया है जो आप बता रहे हैं कि इसमें, इसमें हमने प्लेन स्वेड यूज किया है सर। अच्छा, हाँ, ये टेक्सचर्ड स्वेड नहीं है क्योंकि बिकॉज क्विल्टिंग में हमेशा हाईलाइटेड आपका प्लेन स्वेड होगा सर। अच्छा, जब भी आप चेस्टफील्ड करते हैं प्लेन, तो प्लेन आप उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो खुद अपने आप एक पैटर्न क्रिएट करता है, पैटर्न क्रिएट करता है। सेकंड थिंग सर, जब चेस्टरफील्ड होता है तो हमें ज्यादा थिक फैब्रिक नहीं चाहिए होता, हमें थोड़ा मतलब पतला ही फैब्रिक चाहिए होता क्योंकि खींचना होता है, खींचना होता है बिल्कुल। और फिनिशिंग भी सर, ये बटनिंग बनती है, आप देख रहे हैं सर कितने छोटे बटन बने हुए हैं, जब थिक फैब्रिक होगा तो फिर ये बटनिंग में इशू आता है सर। अच्छा, तो इस चीज को भी हमें सर ध्यान रखना पड़ता है, सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड सर ध्यान रखते हुए हम इन बेड्स को बनाते हैं, ठीक है, उसी चीज को डिफाइन करता है अल्ट्रा लग्जरी मॉडल सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये जी।
जैसे हम पिछले वाले बेड के बारे में बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, कि उसको आप अच्छे से कोई भी प्लेन वॉलपेपर के अगेंस्ट में लगा सकते हैं, आपका खुद वो फोकस पॉइंट बनता है। बिल्कुल सर। इसमें तो इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आपकी वॉल्स रिकॉर्ड पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप में एक डेकोरेटिव पीस है। कोई छोटा सा आप कोई आर्टिफैक्ट या कुछ मोज़ेक टाइप कुछ लगाना चाहें तो आप पीछे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी तो इसकी साइड टेबल्स अपने आप में ज्वेलरी है। इससे बेटर सर ये है कि आप पीछे पीवीसी पैनल्स लगा दीजिए, लूवर्स पैनल्स। हाँ एग्जैक्टली। अब उस साइड में लगा भी हो आप थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाना चाहें क्लाइंट्स। अच्छा, सामने वॉल पे। अच्छा, वो जो लूवर्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा दूर है वो। जी बट वी विल ट्राई। इस टाइप से आप पीछे सर पैटर्न बना के और आप बेड रखिए, बहुत अच्छी लुक आएगी सर। हाँ एग्जैक्टली। जी ठीक है, तो लूवर्स लगा सकते हैं आप, यहाँ पे प्लेन भी रख सकते हैं, अगर आपके पास लूवर्स नहीं है तब भी आप प्लेन वॉल रख सकते हैं। कस्टमर्स की चॉइस है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है साइड टेबल्स अपने आप में हाईलाइट पॉइंट है। यस सर। तो ये भी हमारा शो स्टॉपर था। बिल्कुल। सेलेक्टेड नंबर टू, इसका प्राइस क्या रखा है? इसका प्राइस सर 1,15,000 विद टू साइड टेबल्स। अच्छा, 1,15,000 रुपए। 1,15,000 टेबल के साथ विदाउट मैट्रेस, लैमिनेटेड है पूरा सर, पीयू मेटालिक में विद टू साइड टेबल्स। ठीक है जी, डन। अब अगले पे चलते हैं। हाँ ओके। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट बेड क्या है? यंग कपल्स है ना, उनके लिए। अच्छा, अब बेड को आप दिखाएंगे तो आपको खुद ही फील आएगा, एकदम डिफरेंट बेड है सर। अच्छा, मतलब यू बिलीव द रोमांस शुड नॉट बी मिस्ड। यस सर। इन द बेडरूम। ओके, गोइंग बैक टू इट, एंड आई आल्सो लाइक इट, दैट्स द रीजन हमने आपसे स्टार्ट किया। बेड नंबर थ्री सर। बेड नंबर थ्री वेरी रोमांटिक। सबसे जो मेन सर हाईलाइटेड पार्ट है इसका जो फैब्रिक प्ले है, हमने आइवरी टोन के साथ सर जो कलर लिया है, यही इसको थोड़ा रोमांटिक बेड बनाता है सर। एग्जैक्टली। और एकदम यूनिक बेड है ये, कोई सोबर कलर्स नहीं है सर कि हमने वाइट ब्राउन जो बेसिकली हर शोरूम्स में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली। एकदम डिफरेंट है सर उनसे। ओके, आप इसका स्पेसिफिकेशन दें थोड़ा सा, फिर हम अपना स्पेसिफिकेशन देंगे। बताइए प्लीज। मेनली पार्ट है सर इसका हेड में, आप देखिए जो गोल्ड पार्ट हमने यूज किया है वो पूरा सर पीवीडी कोटिंग के साथ हमने यूज किया है, पूरा मेटल है सर वो, अपना मेटल को मोल्ड करके सर पूरा और उसको पीवीडी कोट कराया गोल्ड कलर के साथ, वो उसकी ब्यूटी को ऐड कर रहा है सर। और जो साइड पार्ट है इसकी क्रॉस स्टिचिंग आप देखिए, सेंटर पार्ट में सर जो आपकी वर्टिकल लाइंस नहीं है सर, एकदम डिफरेंट है। ये इसकी सर क्रिएटिविटी है। अच्छा एक मिनट राहुल जी, ये ऊपर से भी मैं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको कि ये पूरा का पूरा एक बैंड है, ये पाइप है सर पूरा, ये नहीं है कि कोई हमने पत्ती लगा दी है। ओ, और पूरा पीवीडी है सर, इसकी वारंटी भी है पीवीडी की, इसमें कोई कलर फेडिंग वाला कोई इशू नहीं आता सर। जी रिसेंटली अभी हमने एक फैक्ट्री विजिट किया था जहाँ पे हमने इनका प्रोसेस देखा था कि किस तरह से ये एक एसएस की शीट को कर्व करके फिर उसके बाद में उसको, इसमें तो इनफैक्ट कोई जॉइंट नहीं है, टोटली जॉइंटलेस ये वन पीस है सर, वन पीस को बेंड करके ना सर फिर पीवीडी में इसके इसको कर दिया गया, पॉलिश किया जाता है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। मेनली आप साइड टेबल देखिए सर। ओके, नाउ वेरी स्लीक साइड टेबल विद टू ड्रॉअर्स सर, मेनली अपोल्स्ट्री हमने ड्रॉअर्स के ऊपर की है, बाकी जो फैब्रिक का सर कलर है उसी कलर का हमने पीयू फिनिश बनवाया, आप देख रहे हैं ये इसकी मेन क्रिएटिविटी है सर। अच्छा, जो फैब्रिक है जो फैब्रिक का कलर है वही हमने सर मशीन पे उसी से मैचिंग जितना कलर हो सकता था वो हमने पीयू पेंट किया है इसको। अच्छा, हल्का सा इसमें टिंच ऑफ ब्लूबेरी लाइटर शेड आ रहा है ना, कंपेयर टू द, ये हाई ग्लॉस वाइट नहीं है। नहीं, हाई ग्लॉस वाइट, ये ऑफ वाइट भी नहीं है। ऑफ वाइट, अब यही सर रीजन होता है, अब नॉर्मली सब वाइट पीयू कर देते हैं सर। जी सॉरी, व्हाइट पीयू और सर एक कलर स्पेशली आप मशीन पे बनवा के उसको कर रहे हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है सर। अच्छा जी। ओके, ये एक अनदर एलिमेंट आपने फर्स्ट टाइम हमको इंट्रोड्यूस कराया है कि जनरली हम देखा करते हैं जो वाइट जितनी पीयू पॉलिश होती है, पीयू पॉलिश वो इतनी वाइट होती है, पर्ली वाइट कि मतलब एब्सोल्यूट वाइट होती है वो सर, वो स्टैंडर्ड आता है वो हर। अच्छा। कंपनी का आपको वाइट पीयू मिल जाएगा। हाँ, मगर आप डिफरेंट कलर्स में जाएंगे तो वो एलिमेंट आपको सब बनवाने पड़ेंगे सर मशीन्स में। ओके, आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इस बारे में आपको ये भी कह सकते हैं कि इसमें वो वाइटनेस नहीं है, जबकि ये डिजाइनर एलिमेंट है? मैं समझता हूँ आप समझते हैं इस चीज़ को, बट आई एम श्योर देयर आर पीपल, ऑप्शन है सर हमारे पास फुली वाइट चाहिए तो आप देखें तो हल्का सा कैपुचिनो वायलेट कलर का और साथ में कुछ एक ना आपको ब्लूबेरी का जैसा एक हल्का सा टिंच ऑफ ब्लूबेरी है, बहुत अच्छा है। आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस वाई आई फाउंड दिस वेरी सटल एंड रोमांटिक, क्योंकि इसमें ना आपने There's a contrast of lighter shades. दोनों जो कलर्स आपने यूज किए हैं वो बड़े काफी कूल कलर्स हैं। एंड सेकेंडरी इसकी सर हाइट भी देखिए, थोड़ा लो हाइट है सर। अच्छा, कंपेयर टू द बेड्स है ना, तो ये स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में भी अच्छा जाता है, जिनके जो मास्टर बेडरूम थोड़े छोटे हैं
जी आई विल रेकमेंड दिस पर्टिकुलर बेड एंड उसकी जो साइड टेबल्स हैं वो भी थोड़ी छोटी हैं, 18 इंचेस के से आसपास हैं वो, है बिल्कुल सर। दूसरा सर, अगर वुडन फ्लोरिंग पे तो और अच्छी ग्रेस आएगी सर इसकी। हाँ एग्जैक्टली, अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं आइवरी कलर की, बट अगर जो आपकी डार्क वुडन होगी तो ये कॉम्बिनेशन वुडन फ्लोरिंग के साथ तो सर अल्टीमेट। हाँ बहुत अच्छा दिखेगा जी। और क्योंकि अब बात चल रही है क्रिएटिविटी की तो थोड़ा लंबा हो जाएगा खींच देंगे, आप चाहें तो इसको पीछे आप प्लेन वॉल रख लें, हल्का सा कोई वॉलपेपर दे दें, अदरवाइज ये जो कलर है जो आपने इसमें कैपेचिनो कलर जैसा है जी, ये कलर के आप ड्रेप्स या कर्टेन लगाएं तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा। और डुअल शेड में भी आप लगा सकते हैं कर्टेन से, ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पीस, बहुत अच्छा है ये। ये भी सर इंटरनेशनल मॉडल है, उसको हमने अब कॉपी करके ये फुली इंडियन आप इसको कह सकते हो, मेक इन इंडिया सर। अच्छा मेड इन इंडिया, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि कोई इम्पोर्टेड लगी हो, हमने खुद ही सारा मैनुफेक्चरिंग की है इसकी। ठीक है जी, कितने का है ये? ये 1,25,000 विद टू साइड टेबल्स। अच्छा, 1,25,000। अच्छा ठीक है, उनसे थोड़ा एड ऑन इसलिए क्योंकि सर थोड़ा मेटल वर्क इसमें ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जो पाइप्स हैं थोड़ी कॉस्टिंग इसकी ज्यादा, यहाँ पे आप वुडन स्ट्रिप भी ले सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कभी भी डिजाइंस में बहुत ज्यादा चेंजमेंट ना कराइए, क्योंकि वो जो हम सोचते हैं जब वो आउटपुट निकल के आता तो डिफरेंट होता सर, जो चीज रेडी होती है वो आपको इजी रहता सर चूज करने में। ठीक है, दिस आई थिंक यू हैव प्लेड विद वंडरफुल टू कलर्स, नॉट वेरी वेरी पर्ली वाइट, लिटिल ऑफ वाइट एंड लिटिल बिट ऑफ कैपेचिनो ब्लू इन दिस मिक्स्ड इन दिस, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। डू नॉट ट्राई टू मेक इट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट लाइक ब्राउन एंड वाइट, दैट मे नॉट लुक दैट ग्रेट, क्योंकि इसमें गोल्ड का एक थ्रू आउट एलिमेंट है, वो उसको उसका पॉप अप है। बेडशीट्स में यू कैन प्ले सर। हाँ, यू कैन प्ले विद बेडशीट्स, बेडशीट्स, कुशन कवर्स, पिलोस, करेक्ट। ठीक है, वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, बेड नंबर 4 सर। दिस इज बेड नंबर, बेड नंबर 4। ओके, दिस इज फॉर आवर फैमिली मेंबर्स, दोस हु लाइक बेज एंड ब्राउन विद द सर मेटल एंड पॉलिएस्टर टच आल्सो। अच्छा ओके, हाँ इसका जो एलिमेंट ऑफ पॉप अप है वो मेटल रोज गोल्ड है सर। स्ट्रिप देखिए आप, थ्रू आउट स्ट्रिप इसमें प्ले हो रही है, वो भी सर एक पतली शीट नहीं है, पूरा मेटल का फ्रेम है सर इसके अंदर। अच्छा ये वाला, हाँ ये दिस वन सर, ये अच्छा। पूरा मेटल का पाइप है सर, और ये पूरा हैवी पाइप है सर, ये होलो नहीं है। अच्छा, ये आपकी सर स्ट्रिप होगी रोज गोल्ड की, और ये आपका पॉलिस्टर पार्ट है पीछे सर। इसमें हमने लाइटिंग का भी प्रोविजन दिया है, दोनों तरफ आपकी लाइट है सर इसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है, ये आप बताना चाह रहे हैं कि हैवी, थोड़ा सा हैवी मेटल है, मेटल है सर पूरा जी। ओके, मतलब वेट वाइज आप देखेंगे तो काफी मतलब हैवी चीज है सर ये। अच्छा जी, इसमें हमने कौन सा फैब्रिक यूज किया हुआ है? इसमें हमने स्वेड फैब्रिक किया हुआ है सर, टेक्सचर्ड फैब्रिक है, 900 रुपए मीटर का फैब्रिक है ये। अच्छा, इसमें कलर ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, बट हमने ये कलर ऐसा लिया है कि बैलेंस्ड प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत डार्क भी नहीं है सर। पॉलिस्टर को एनहेंस भी कर रहा है सर, क्योंकि पॉलिस्टर आपकी बेसिकली डार्कर कलर में ही हमेशा अच्छी लगती है, इसलिए हमने ऊपर आप साइड टेबल में देखेंगे तो एक सर हमने पूरा ओपन रखा, नीचे हमने ड्रॉर दिया। अच्छा जी, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने ऐसा प्ले किया है कि लेग्स आप देख रहे हैं गोल्ड में हैं, और उसके बाद में एक और एलिमेंट ऑफ मेटल है वो रोज गोल्ड है। ये इसलिए है, वैसे आप चाहें तो हम पूरा इसको रोज गोल्ड में भी दे सकते हैं और पूरा गोल्ड में भी दे सकते हैं। अच्छा, बट हमने थोड़ा सा चेंज करने का सर एक बार ट्राई किया इसको, बाकी जैसे कस्टमर्स कहेंगे उस अकॉर्डिंग भी हम इसको अच्छा करते हैं कस्टमाइज जी। आई थिंक वी नीड टू एनालाइज लिटिल बिट, अगर पूरा हम एलिमेंट ऑफ गोल्ड रखते हैं इसमें तो थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, एट द सेम टाइम कुछ लोगों को लग सकता है कि ऑड है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ होती है तो फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा अजीब लगती है दिखने में जी। बट अगर आप देखें गौर से तो दिस हैज कम आउट वेरी वेल, रोज गोल्ड एंड गोल्ड आई हैव नॉट सीन एनीवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन है सर। ओके, दिस हैज कम आउट वेरी वेल, और ये चाहे तो आप पूरा का पूरा गोल्ड में भी कर सकते हैं, पूरा गोल्ड में भी हो सकता है सर, और पूरा चाहे तो पूरा रोज गोल्ड में भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ऑप्शन है सर। ठीक है, और इसके हेड में आप देखेंगे सर ये पार्ट भी हमने पूरा अलग अलग किया हुआ है सर सारा, ये देखिए सर ये सारे पैनल्स अलग हैं सर। ओके, बट ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि वन पीस की स्टिचिंग का कोई डिजाइन किया हुआ है। हां एग्जैक्टली, आई थॉट दैट मच, मुझे लगा इतना स्लीकर वर्जन किया हुआ है ये सर, वन पीस आपको लग रहा है, बट ये सब डिफरेंट है सर, सारे अलग-अलग पार्ट। राहुल जी ये तो अलग पार्ट है ना? हां सर, साइड टेबल आपकी 3 पीसेस में हो जाता है, पूरा हेड जो आपका वन पीस ये निकल जाएगा यहां से। हां ये निकल जाएगा, ये सेपरेट है। हां, बट ग्राउंड होम्स के लिए जहां पे सर स्पेस का कोई इशू नहीं है वहां हम ये वन पार्ट में देते हैं। अच्छा, तो एक चीज हम बता दें हमारे व्यूअर्स को कि जनरली आप देखें तो साइड टेबल सेपरेटेड आपको मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। कई सारे फर्नीचर स्टोर हैं जहां पे आपको ये चीपर वर्जन में मिल जाएंगे, यही फर्क होता है कि जब आप इनको लोअर वर्जन के खरीदते हैं
तो नो मैटर हाउ मच हार्ड यू ट्राई देयर इज ऑलवेज बी अ स्लिप। लो वर्जन में सर ये पूरा स्ट्रिप हो जाएगा आपका, ये पॉलिस्टर की जगह वो पीयू कर देंगे सर, जो वीनियर अंदर का पार्ट है वो आपका लाइटर हो जाएगा। करेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं सर जो मैटर करती हैं। आई वाज हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट कि लो वर्जन के जितने भी आप फर्नीचर यूनिट लेंगे और ये डिज़ाइन को वो कॉपी करते हैं, कितना भी आप इसको इसके साथ कंप्रेस करके रखिए, इसके साथ मिला के, इनके बीच में जो स्पेस है ना वो हमेशा बना रहेगा जी सर। वो कभी प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा। ये आपने कैसे फिक्स किया है? ये हमने पूरा सर अभी इसको तो हमने वन पीस में बनाया हुआ है। अच्छा, आपको थ्री पीस में चाहिएगा तो उसका प्रोविजन इसी अकॉर्डिंग करेंगे सर। क्या ये फिनिश आ जाएगी उसमें? बिल्कुल आ जाएगी सर, एकदम परफेक्ट सर। 19-20 का डिफरेंस हमेशा रहेगा उस आइटम में। अच्छा, थोड़ा सा रहेगा, डिपेंड करता है क्लाइंट्स के जो फ्लोर लेवल है सर। अच्छा, फ्लोर लेवल भी देखना होता है। अगर फ्लोर लेवल सही नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं आएगा सर। अच्छा, इतना सारी चीजें मैटर नहीं आएगा वो। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, इसका प्राइस क्या है सर? इसका प्राइस सर 1,20,000 विद टू साइड टेबल्स। ओके, फुली सेम लेमिनेटेड बॉक्सेस, फुली अपोल्स्टर्ड, एंड जो हेड में डिजाइन है वही आपका लेग डिजाइन है सर। एक बार लेग भी दिखा दीजिए। अच्छा, पूरा एक व्यू दे दीजिए सर। श्योर श्योर, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये देखिए, इसका पूरा व्यू है सर। ये नीचे क्या है? नीचे नीचे सर पॉलिस्टर पॉलिश कर दिया, इसमें मेटल की स्ट्रिप नहीं दी है। पॉलिस्टर भी सर आपका गीले कपड़े जैसे हम सफाई करते हैं क्लीनिंग, तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, डन। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सर, में सर गोल्ड या रोज गोल्ड का वर्कआउट नहीं किया, इसमें हमने एसएस फिनिश दिया है, जो क्रोम फिनिश हम जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी पूरा सर ये देखिए, पूरा पाइप है, पूरा आपका ये पूरा मेटल है सर, आउटसाइड भी सर, इनसाइड भी, दोनों तरफ। ओह ओके, जैसे कि अभी हम नंबर 4 में देख रहे थे कि पूरा एक अराउंड कितना 1.5 inches के आसपास का ही पूरा बैंड है, 2x1 का पाइप था, 2x1 का थ्रू आउट जाता है ये सर। ये आधा इंची का पाइप है सर, 12 mm में हम इसको थिकनेस में बोलेंगे। अच्छा, और पूरा इसके सर सेंटर में पैनल्स, ये सारे इंडिविजुअल पैनल्स हैं, बॉर्डर में आपकी क्रॉस स्टिचिंग हो गई है। अच्छा, मेन पार्ट इसका साइड टेबल है सर, ये देखिए। ओके, ये पूरा मेटल का फ्रेम बनाया गया सर, साइड टेबल रेडी करके उसमें इसको फिक्सअप किया हुआ। अच्छा, टॉप पे आपका पॉलिस्टर पॉलिश है सर, टू ड्रॉर्स हो गई, साइड में आपका क्रॉस स्टिच फैब्रिक हो गया सर। ओके, लकीली लास्ट नाइट आई विजिटेड वन ऑफ द फैक्ट्रीज वेयर द स्टील वर्क हैपेंस, है ना जी। तो एक आइडिया के लिए आई वाज विजिटिंग टू वन ऑफ द फैक्ट्रीज एंड आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू अचीव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कितना उसमें मैन पावर होता है, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, उसके बाद में फिर मैन पावर, फिर उसके बाद फैब्रिकेशन वर्क, फिर उसके बाद में क्लीनिंग, जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल जॉइंटलेस दिखने चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको राहुल जी कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जान हमें भी होना चाहिए, तभी हम आपको पूछ पाएंगे कुछ। ये देखें ना सर, ये हमने देखा है कि ये काफी मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला काम है सर, मेटल का काम मेहनत का काम है। बिल्कुल जी, आप बता रहे थे कुछ अभी। मैं यही बता रहा था कि पाइप तो हमेशा सीधा ही आता है, अब ये शेप देखो अचीव करना सर, फिर इसमें जॉइंट इसको फ्री करना, ये बहुत बड़ी अचीवनेस है। बिल्कुल, इसमें फैब्रिकेटर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और ये आपको एक चीज और ध्यान रखना होता है, इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट्स हों, इनकी प्रॉपर सर्कल हों, दोनों आइडेंटिकल हों लेफ्ट राइट के, ओवल का शेप आपका प्रॉपर आ रहा हो। खैर, कमिंग बैक टू दिस 100% अपहोल्स्टरी साइड टेबल, दिस हैज गॉट 2 knobs एंड 2 openings, एट द सेम टाइम यू हैव हाई पॉलिश का इसके ऊपर टॉप है। टॉप है, एंड सर बॉक्सेस देखिए, पूरा इसमें पॉलिस्टर फिनिश में दिए हैं। राइट, ये फुली पॉलिस्टर है सर, स्कर्टिंग एंड विद बॉक्सेस आल्सो। ओके, मैट्रेस साइज आल्सो सेम सर, 78x70, एंड बॉक्सेस आपके 12 इंच के बॉक्सेस हैं, 3 इंच की स्कर्टिंग है, जो हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, डन। इसका क्या प्राइस रखा है हमने? इसका प्राइस हमने सर, इसका एक मिनट चेक करना पड़ेगा। श्योर श्योर, प्लीज। इसका 1,15,000 विद टू साइड टेबल्स। ऑलराइट, ठीक है। दिस इज द MRP? नहीं, ये सर मैं आपको सारे बेस्ट प्राइजेस बता रहा हूं। ये बेस्ट प्राइजेस है जी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि प्राइस की बात चल रही है तो आपसे पूछ ही लेते हैं बीच में कि इनमें कोई स्कोप होता है नेगोशिएशन का? बिकॉज़ सर, जो यूट्यूब पे bargain. हम यूट्यूब पे जो भी सर हम प्राइजेस बताते हैं, जो भी हमारे यहाँ रिटर्न प्राइजेस हैं उससे हम कम करके बताते हैं बेस्ट प्राइजेस। अच्छा, दिस इज द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ओके, ठीक है। All right. तो जनरली आप फेस करते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं आपको कि थोड़ा फेस करते हैं, बट सर एक क्लियर रहता है कि मैसेज आपको क्लियर होता है, मैसेज क्लियर है, और दूसरा प्राइसिंग में फिर कंफ्यूजन नहीं होती सर, सबसे बड़ी बात ये है। एग्जैक्टली जी, ठीक बात है। तो ये एक बार फिर से बता दें, दिस इज फॉर 1,15,000 विद 2 side tables एंड फुली दिस इज पॉलिस्टर पॉलिश। ठीक है, एंड विद 2 side tables, मैट्रेस इज एक्सक्लूड। हाँ, डज नॉट इंक्लूड मैट्रेस। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सर, एंड दिस इज आवर बेड नंबर 6। ओके, ये बेड सर एक हमने स्ट्रेट लाइन बेड लॉन्च किया है। अच्छा, ये फुली वाइट PU, जो आप अभी कह रहे थे कि वाइट PU बेड भी एक होना चाहिए, तो जी, ये, जी। हाँ, वाइट PU विद वॉलनट हाई ग्लॉस। इसमें हमने वीनियर का कॉम्बिनेशन सर साथ में रखा हुआ है। हेड में आप देखेंगे एक होलो पार्ट है, उसके अंदर हमने सर लाइटिंग दी हुई है। अच्छा जी, और ये ग्रूव्स में हमने इसके अंदर प्ले किया हुआ सर। ओके,
पीछे जो हम सिमेट्री की बात कर रहे थे साइड टेबल्स में, आप जैसे कि ये साइड टेबल लूज है सर, अब ये आपकी लेवलिंग के अकॉर्डिंग इसकी सर अलाइनमेंट होगी। जो आपकी फ्लोर लेवल होता है सर, वो मेनली डिपेंड करता है कि आपकी साइड टेबल कितनी इसके साथ अटैच रहे। अच्छा, इट इज़ नॉट ऑलवेज द फर्नीचर यूनिट एंड द मेजरमेंट ऑफ द फर्नीचर यूनिट मैटर्स, इट इज समटाइम्स द फ्लोर मैटर्स। फ्लोर ऑल्सो मैटर्स सर। ओके, फ्लोर लेवल ही सर आपका, सपोज टाइल्स लगी हुई हैं सर, हल्का सा भी 1-2 mm ऊपर नीचे होगा तो आपके जो बफर्स लगे हुए हैं सर बेड्स में हमारे, वो सारे अगर सही जगह नहीं सर प्लेस हुए होंगे तो बेड में से आवाज़ आती है सर, यही रीज़न होता है। ओह, तो उसका क्या फिर सोल्यूशन होता है? सोल्यूशन ये होता है सर, जो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं वो हम साथ में भेजते हैं, कारपेंटर्स हमारे बेड को जब इंस्टॉल करते हैं तो सारा चेक करके आते हैं सर। अच्छा, बेसिकली हम ऐसा नहीं करते कि लोड किया सर और क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी भेज दीजिए ले जाइए, इसमें तो असेंबली की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। हाँ, अब ये इशू आता है सर हम जब आउट स्टेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोज हमने हैदराबाद भेजना हो तो ये चीज़ हम क्लाइंट को पहले ही बोल देते हैं। देन हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर वहाँ पे कोई टेक्नीशियन होगा, फिर वही उसको प्रॉपर चेक करेगा सर। अच्छा, वही सो दे हैव टू लुक फॉर देयर ओन टेक्नीशियन इन दैट केस। वो चीज़ हम पहले क्लियर कर देते हैं, बाद में सर ये क्लाइंट ना बोलें कि जी बफर्स आपके प्लेसेज नहीं है, तो एक टेक्नीशियन जरूर है, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हम अरेंज करते हैं टेक्नीशियन को सर। ओके, वैसे मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि जनरली यू हैव लॉट ऑफ कारपेंटर्स, हर शहर में कारपेंटर मिल जाते हैं, यू जस्ट पे देम 150-200, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस, सर काम आपका, दे विल कम एंड असेंबल इट, राइट? बेड्स में वैसे असेंबली की जरूरत होती नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, बट सर जो मैंने बहुत छोटे पॉइंट बताए कोई बताएगा नहीं आपको। अच्छा, ये बहुत डीप, मतलब डीप चीज़ें हैं सर ये। अच्छा, और ये और बाकी जो हम देख रहे थे जिनमें सेपरेट एक इंडिपेंडेंट साइड टेबल्स होती है, वहाँ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, वहाँ प्रॉब्लम नहीं, वहाँ तो ये छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये ह्यूज बेड हो गया ना सर, और इसका मैट्रेस साइज भी सर हमने 78x78 लिया। अच्छा, 6.5 feet। अच्छा, ये प्रीवियस जो बेड्स हैं उनसे थोड़ा देखिए वाइड है। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा वाइड है, मतलब थोड़ा अच्छा खासा वाइड है ये उनको सर। बेस्ट बेड्स हैं जिनके साथ कोई छोटा बच्चा सर सोता है। अच्छा, अच्छा, कपल एंड बेबी, ओके, हाँ, तो उनके लिए ये साइज सर परफेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली रनर से पता चल जाता है कि रनर थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब ये जो है बेड थोड़ा विड्थ में ज्यादा है। बिल्कुल, साथ में बताते हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउन एंड व्हाइट में खेला गया है, तो ये थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन मिनिमलिस्टिक अप्रोच का ये चीज बेड है, देखिए जिसमें सिंपलिसिटी है, सिंपल है, एलिगेंट है, बहुत सॉफ्ट एंड सोबर है, बहुत ज्यादा जैजी या बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। बिल्कुल सर, और अगर आपने बहुत ज्यादा वॉलपेपर ऑलरेडी अच्छे लगवा लिए हैं तो ये ऑलरेडी स्टैंड आउट करेगा, है ना? जी बिल्कुल, ये पर्ली व्हाइट में आप बता रहे थे कुछ सर। मैं सर ये कह रहा था इसमें जो आपकी साइड में जो स्कर्टिंग है ये इतनी वाइड है कि आप रात को कुछ मोबाइल फोन भी अपना प्लेस कर सकते हैं, और बॉक्स हमने थोड़ा अंदर दिया हुआ। इसका रीजन ये, जब भी आप बेड के साथ सर स्टैंड आउट होते हैं तो थोड़ा पैर ऐसे अंदर करके अच्छा, बेसिकली बॉक्स पूरा बाहर होता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अच्छा, तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टाइल, आल्सो अबाउट द यूटिलिटी। एंड दूसरा सर, हम कुछ बेड्स ऐसे बना रहे हैं आजकल सफाई के लिए, बेसिकली रोबोट्स घर में आ चुके हैं जो आपके 3.5 inch थिकनेस होती है रोबोट्स की, क्योंकि काम वालियों को सर रिप्लेस करने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी आ गई रोबोट वाली। अच्छा, तो हम बेड्स जो अब नए बना रहे हैं, आपके रोबोट्स भी बेड के नीचे जाके सफाई कर सकते हैं। ओह लवली, उसको 4 inch हम सर हवा में फ्लोटिंग बेड बना रहे हैं, उसे हम फ्लोटिंग बेड बोलेंगे। अच्छा, तो आपको वैक्यूम क्लीनर वगैरह से भी आप नॉर्मली साफ कर सकते हैं उनको, पूरा रोबोट नीचे जा सकता है, और उसमें हम LED स्ट्रिप का भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब रात में आपकी जो छोटी लाइट है वो ना ऑन करके आप बेड में लाइटिंग ऑन कीजिए, स्कर्टिंग में से जब लाइट आएगी तो वो सर बहुत अच्छा एनहांस होगा। हाँ, वो एक फ्लोर लाइट होती है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी, कभी कभी लोग लगवाते हैं उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जब नाइट में उठते हैं जस्ट टू गो टू द वॉशरूम और समवेयर, यू शुड हैव सम लाइट इन प्लेस। बिल्कुल सर, ये बेड भी आप दिखाएंगे थोड़ा सर जूम करके नीचे से, ये भी देखिए फ्लोटिंग बेड है सर। अच्छा, थोड़ा फ्लोट कर रहा है। ओके, इसके नीचे हम देख रहे हैं, इसमें नीचे सर अंदर की तरफ सर स्कर्टिंग है। हाँ, वो बॉक्सेस ही हमने थोड़ा नीचे तक बनाए हुए हैं, तो वो हम इसको और कस्टमर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, बट इसमें थोड़ा सा बॉक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा? बॉक्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, बॉक्स सर थोड़े छोटे तो होंगे, कहीं ना कहीं सर देखिए हमें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइज उतना ही है। मेरे ख्याल में 2-3% बॉक्स जो है छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, नॉट दैट इज मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि एज इट इज बेड का साइज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज है इस बेड का। आजकल सर रूम्स में भी वार्डरोब्स बन रही हैं, ड्रेसर में भी वार्डरोब्स हैं, तो वो तो ट्रेंड है नहीं कि बेड में आपको बहुत ज्यादा सामान रखना। ठीक है जी, डन। तो हमने बताया कि ये बहुत सिंपल एंड एलिगेंट बेड है, और इसमें बहुत जो लोग मिनिमलिस्टिक चाहते हैं वो नहीं चाहते कि उनके घर में बहुत ज़्यादा जैज क्रिएट हो। बिल्कुल, तो दिस इज़ वेरी नाइस। कितने का है ये सर? लेमिनेटेड है पूरा, 75,000 का विद 2 side tables। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। सो दिस अगेन कैन, इसमें कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे नहीं दिखता है, बाकी आप बताएं। ये एज इट इज सर, यही कलर इसका अच्छा है, आप आइवरी कराएंगे, ब्राउन कराएंगे, वो लुक नहीं आएगी सर। हाँ, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं स्कोप जी। ठीक है, सो वी हैव चेक्ड आउट 6 beds नाउ, ऑल दीज बेड्स आर अवेलेबल फॉर पेन इंडिया डिलीवरी, है ना? ठीक है,
बिफोर वी साइन ऑफ एक और रिक्वेस्ट थी आपसे राहुल जी, जनरली बेडरूम में कॉन्सेप्ट जो है अब वो ये हो गया है कि पीपल लाइक टू कीप फ्यू चेयर्स है ना, हालांकि हम सारे बेड्स नहीं कवर पाए, आपके पीछे बेड्स ही बेड्स दिख रहे हैं हमको सर, काफी आइडिया हमने ले लिया, फ्लोर्स पे बेड्स ही बेड्स हैं सारे, ठीक है। मैंने एक वीडियो में सारे बेड्स तो सर डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं जी, बट इनसे क्लाइंट का आइडिया लग जाता है, आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हर घर में अब आप देखें एवरी बेडरूम वहाँ पे ना लोग जनरली अब प्रेफर करते हैं कि दो चेयर्स हो वहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि बिकॉज यू कांट सिट ऑल द टाइम ऑन योर बेड, तो या तो ऑटोमन हो या फिर चेयर्स हो, तो प्लीज हमें कुछ चेयर्स भी दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको सर लेटेस्ट जो कलेक्शन है हमारा, ठीक है, चेयर्स चलिए कुछ देखते हैं आइए सर।